श्री राधे राधे गुरु जी, आज का प्रश्न लेते हैं। प्रश्न लेने से पहले गुरु जी, आपके चरणों में श्री दंडवत प्रणाम। मैं काशी धाम से हूं और अभी गुजरात में रहकर पीएचडी की पढ़ाई कर रहा हूं। मैंने माँ अम्बा को अपनी माता और श्री काशी विश्वनाथ जी को अपना पिता माना है। उन्हीं की कृपा से मुझे प्रभु श्री रामचंद्र जी और माँ सीता का युगल मंत्र मिला है और आप संत जनों का सानिध्य भी मिला है। पहला प्रश्न है, गुरु जी, मैं काशी धाम में ही रहते हुए अपने पढ़ाई के कार्य को आगे बढ़ाना चाहता हूँ और इसके लिए नित्य प्रतिदिन प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम का लेखन कर उन्हें समर्पित करता हूँ और उनसे निवेदन करता हूँ, कृपा करके मुझे काशी धाम बुला लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ गुजरात में रहकर बिल्कुल भी एकाग्रचित नहीं हो पा रहा हूँ। मैंने इसी मनोभाव से प्रभु श्री रामचंद्र जी के 2 लाख नाम लिखे हैं और उन्हें इसी सावन महीने में प्रदोष के दिन ही काशी जाकर मार्कंडेय महादेव जी पास गंगा मैया में समर्पित भी किया है। क्या माँ अम्बा और बाबा विश्वनाथ जी तथा मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे काशी धाम वापस बुला लेंगे गुरु जी? इसके लिए मुझे क्या करना होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। आपका मार्ग बिल्कुल ठीक है, आपकी साधना एकदम सही है। विद्या अध्ययन करने के लिए कहीं भी दूर से दूर जाने की बात पुराने जमाने की भी है। भगवान कृष्ण ब्रजभूमि से सांदीपनि मुनि के पास विद्या अध्ययन करने के लिए सर्वज्ञ होने पर भी गए थे उज्जैन। तो ये कोई नई बात नहीं, इसमें परेशान नहीं होना चाहिए। विद्या अध्ययन करने के लिए चाहे कहीं भी जाइए, लेकिन मन से अपने प्रभु के चरणों में रहिए। तो मन से आप अपने प्रभु के चरणों में विराजमान हैं ही। काशी विश्वनाथ भगवान, माता अन्नपूर्णा, इनके चरणों में आप विराजमान हैं और उनको प्रिय जो है राम नाम, वो लिखकर आप उनको भेंट भी करते हैं। तो ये बहुत सुंदर है। आप अपना विद्या अध्ययन भी करिए, पढ़ाई करिए और साथ साथ जो शिव जी की माता की सेवा कर रहे हैं वो भी करते रहिए। मन से ही उनकी सेवा करिए, मानसिक सेवा करिए, ध्यान करिए आंख बंद करके, और आंख बंद किए किए ही शिव जी और माता पार्वती का ध्यान करके उनको जो भी सेवा आप करना चाहते हैं, भोग लगाना, स्नान करना, श्रृंगार कराना, वो सब आप प्रतिदिन करते रहिए। थोड़ा समय इस कार्य में जरूर दीजिए और पढ़ाई भी करिए, राम नाम लेखन भी करिए, बहुत अच्छा रहेगा, वो जरूर बुलाएंगे आपको। श्री राधे राधे। दूसरा प्रश्न है, गुरु जी, मैं हर रोज भक्त चरतावली और भक्त प्रश्नोत्तरी सुनते वक्त प्रभु श्री रामचंद्र जी के पतित पावन नाम का लेखन करता हूँ और धीरे धीरे जिह्वा से नाम जब भी करता हूँ, गुरु जी क्या ये उचित होगा, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। चरितावली श्रवण करना, नाम लेखन करना अच्छा है, किंतु इसके साथ एक सावधानी आपको करनी पड़ेगी कि जो चरितावली आप श्रवण करते हैं वो पूरा पूरा सावधानी से, एकाग्रता से सुनना होगा। ऐसा नहीं कि आप नाम जप और लेखन इसके करने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए कि श्रवण करना भूल गए। अब मोबाइल में आपको वो सुनाया जा रहा है, लेकिन वो तो रुकेगा नहीं, वो तो चलता जाएगा, मोबाइल में आवाज़ आगे बढ़ती जाएगी। और आप थोड़ा सा भी चूक गए तो नाम लेखन भले अभ्यास के कारण हो जाए या जब भी हो जाए, किंतु आपको जो सुनाया गया है वो फिर निकल जाएगा आगे, वो आप नहीं सुन पाएंगे और आपको पता नहीं चलेगा कहाँ तक सुने थे, कहाँ उसके बाद छूट गया, कितना निकल गया। इसलिए लेखन कार्य बहुत स्लो करना, धीरे धीरे लिखना, और जप भी बहुत ही धीमे धीमे करना, तब चरितावली श्रवण भी आपका चल सकता है। क्योंकि 3 कार्य हो गए ना, जप करना, लेखन करना और श्रवण करना, तो 3 कार्य में से मुख्यता आपको देनी पड़ेगी श्रवण करने की। क्योंकि श्रवण करना जिस समय आप चालू कर रखे हैं मोबाइल अपना या टीवी चला रखे हैं उसी समय होगा, जप तो बाद में भी हो जाएगा, लेखन भी बाद में हो जाएगा, लेकिन जो आप देख सुन रहे हैं
वो सुनने वाला कार्य यदि असावधानी हुई तो फिर वो आपका श्रवण के बिना ही चला जाएगा। श्री राधे राधे। इनका तीसरा प्रश्न है गुरु जी, ये कह रहे हैं, गुरु जी आपके श्री मुख से सुना है कि नाम लेखन की बड़ी महिमा है, नाम लेखन करते वक्त मन पूरी तरह से प्रभु के नाम लेखन और जप में लगा रहता है, तो क्या नाम लेखन करते करते ही जप करना उचित होगा? कृपया मार्गदर्शन करें गुरु जी। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। नाम लेखन करते समय जप स्वाभाविक ही हो जाता है, लेखन जप बोलते हैं इसको, लेखन जप। और यदि आप मन में उसको बोलते रहेंगे तो लेखन जप भी हो गया और मानसिक जप भी हो गया। किंतु आप ये ध्यान रखिए कि वो सत्संग के बिना प्रगति नहीं प्राप्त करता है, और वही सत्संग है जो आप भक्त चरित सुनते हैं। भक्त चरित प्योर सत्संग है, शुद्ध सत्संग है, जिसमें महान संतों का जीवन का चरित्र अनुभव, उनके बहुत से उपदेश सब सुनने को मिलते हैं। तो उस प्रकार से आपको बहुत उच्च कोटि का सत्संग मिलता है। तो सत्संग के बिना भजन, चाहे वो लेखन जप हो, चाहे वाचिक जप हो, चाहे मानसिक जप हो, उसमें तीव्रता प्रेम इसका उदय नहीं होता। और यदि चरित्र श्रवण करते रहेंगे सावधानी से तो आपके जप में, लेखन जप में, मानसिक जप में भी प्रेम का उदय होगा, और प्रेम का उदय होने से भक्ति रस का आनंद मिलेगा, आंखों में अश्रु आएगी, भाव विभोर हो जाएंगे। तो वो नाम जप नाम लेखन में तभी आएगा जब चरित्र ध्यान से आप श्रवण करेंगे, इसलिए ये सावधानी आपको करनी पड़ेगी। श्री राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है गुरु जी, ये कह रहे हैं, नाम लेखन में रुचि इतनी बढ़ गई है गुरु जी कि सब कुछ छूटता जा रहा है, यहाँ बाहर रहकर पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो बस नाम लेखन ही शुरू कर देता हूँ, प्रभु के पावन नाम का 10,000 नाम लेखन भी कभी हो जा रहा है, डर लगता है गुरु जी कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, ये सब क्यों हो रहा है? श्री राधे राधे, जय श्री राम, कृपया बताने की कृपा करे गुरुदेव। श्री राधे राधे। राधे राधे। ये तो कृपा है आपके ऊपर जो इतना जप लेखन जप हो रहा है, लेकिन पढ़ाई की दृष्टि से ये जप अधिक हो रहा है, पढ़ाई का समय आपका कम हो जाएगा। अब आप जो पढ़ने के लिए वहां गए हैं वो कुछ काल विशेष के लिए, सीमित समय के लिए गए हैं, और उतने दिन में पढ़ाई भी आपको इतना कर लेनी है कि आगे कोई जॉब कर सकें आप, तो इसलिए अभी आप भजन तो मत छोड़िए, चरितावली भी श्रवण करिए, लेखन और जप भी करिए, लेकिन मुख्यतः आप अपनी पढ़ाई को दीजिए, क्योंकि पढ़ाई थोड़े समय की है, 2-4 साल 5 साल की पढ़ाई होगी जो भी बाकी होगी, उसके बाद तो आपको जीवन भर सावधानी पूर्वक भजन करना, अभी भजन छोड़ना नहीं है लेकिन पढ़ाई की उपेक्षा नहीं करनी है। ऐसा न हो कि आपको असावधानी के कारण पढ़ाई में बाधा आ जाए, इसलिए अपनी पढ़ाई को ज्यादा महत्व दो, साथ में भजन भी करते रहो, चरित्र भी श्रवण करते रहो। श्री राधे। लखनऊ से पल्लवी जी हैं गुरु जी, ये कह रही हैं कि जब मैं एकांत में होती हूँ या एकांत में होने पर क्या मैं गुरु मंत्र का जाप ध्वनि के साथ गुनगुनाते हुए कर सकती हूँ, क्या इसमें कोई अपराध तो नहीं होगा? श्री राधे राधे। यदि आपके भजन कक्ष में दूसरा कोई नहीं रहता है, ठाकुर जी हैं और आप हैं, बस दो ही लोग, तो आप उच्चारण के साथ कर सकते हैं गुरु मंत्र का जप, लेकिन उच्चारण तीव्रता की आवाज का नहीं होना चाहिए, बहुत धीमी आवाज का उच्चारण हो जिसको आपके कान सुने बस। और यदि इससे कुछ ज्यादा होगा तो बाहर आवाज नहीं जानी चाहिए कमरे की, इतना ध्यान तो देना पड़ेगा। और यदि कोई वहां है कमरे में आपके, तो मानसिक जप ही सर्वोत्तम है। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे। गुरुदेव आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। मैं महाराष्ट्र मुंबई से बोल रही हूँ। गुरु जी मैं एक दुविधा में फंस गई हूँ। गुरु जी दो धर्म में शादी करने से उसके द्वारा जो बच्चे उत्पन्न होते हैं वह वर्ण संकर हो जाते हैं, जिसके द्वारा उसे बच्चों के घर में
किया गया पूजा पाठ पितृपक्ष की हो या दिया दान स्वीकार नहीं होता है, कृपया मार्गदर्शन करें। श्री राधे राधे। राधे राधे। अब आज ऐसा समय आ गया है कि इसका निर्वहन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। पहले अध्याय में ही जो गीता पाठ अभी हमने शुरू किया, पहला अध्याय, उसके समापन में ये बात आती है कि जब अर्जुन ने समस्या अपनी व्यक्त की थी कि युद्ध में पुरुष लोग तो मर जाएंगे, स्त्रियां बचेंगी, वह स्त्रियों के जब पति नहीं होंगे तो वो किसी दूसरे के घर में जाकर रहेंगी और वहां उनके किसी भी जाति के नए पति होंगे जिनसे संतान होगी, तो वो जो संतान होगी वो उस वर्ण की नहीं होगी जिस वर्ण में पहले वो विवाहिता थी। जैसे ठाकुर के घर में विवाह हुआ था, अब ठाकुर के घर में सब मर गए तो ब्राह्मण के घर में उन्होंने जाकर शरण ली और वहां उनकी शादी हो गई, तो अब बच्चे जो होंगे वो न ठाकुर के होंगे न ब्राह्मण के होंगे, उसको कहा जाता है वर्ण संकर। तो अर्जुन ने इस बात को बाद में मैं पाठ करके सुनाऊंगा, थोड़ा सा संकेत कर रहा हूं कि उन्होंने कहा संकरो निधनान्यैव संकरो नरकायैव कुलग्नानाम, ऐसा संकर जो वर्ण संकर होंगे वो नरक में जाएंगे और कुल का भी नाश करेंगे, कुल को भी नरक में जले जाएंगे। ये बात कर्मकांड की है और उस समय भगवान ने भक्ति का उपदेश तो किया नहीं था, बाद में किया अर्जुन को, और फिर नवें अध्याय में भगवान ने कहा इस विषय में, नवें अध्याय में इस विषय में भगवान ने कहा है, माम हि पार्थ व्यपाश्रित्य एपिशु पाप यो नय स्त्रियो वैश्यास तथा शूद्रास ते पियांति परम गतिम। भगवान ने अर्जुन की उस बात का उत्तर नवे अध्याय में दिया है जो ना उन्होंने पहले अध्याय में कहा है कि वर्ण संकर उत्पन्न हो जाएंगे और पिंडदान नहीं हो पाएगा, श्राद्ध तर्पण नहीं हो पाएगा और उनके पुरखे नरक में चले जाएंगे और वो भी नरक में चले जाएंगे, तो महाराज ये युद्ध तो सबको नरक में ले जाने वाला है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कह दिया नरक में नहीं स्वर्ग में जाएंगे जो मरेंगे युद्ध में, भगवान ने दूसरे अध्याय में कह दिया जो युद्ध में मरेंगे वो सब स्वर्ग में जाएंगे नरक में नहीं जाएंगे, और नवे अध्याय में ठाकुर जी ने कहा है माम हि पार्थ विपाशित्य एपिशु पाप यो नयः पाप योनि, पाप योनि का तात्पर्य यही वर्ण संकर, अर्थात अपने वर्ण को त्याग कर दूसरे वर्ण में शादी किया, अब वो उस दृष्टि से वर्णाश्रम व्यवस्था की दृष्टि से पाप हो गया। वर्णाश्रम व्यवस्था प्राचीन काल में चलती थी, अब तो कोई मानता नहीं अधिकतर, तो उस दृष्टि से वो पाप योनि हो गए, पाप कर्म हो गया, क्योंकि वर्ण संकरता हो गई, उस संकरता के दोष से जो जन्म हुआ वर्ण संकर हुए और फिर वो उनके द्वारा पाप कर्म हो गया। तो माता पिता की गलती है, बेटे की गलती तो कोई है नहीं भाई। अब विचार करने की बात है, मान लो किसी क्षत्रिय के बालक ने शादी ब्राह्मण की कन्या से कर लिया, आजकल खूब चल रहा है, तो अब वो बच्चा जो पैदा हुआ है उस बच्चे की क्या गलती है? माँ बाप की गलती तो मानी जा सकती है कि माँ बाप को ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस बच्चे का जन्म हुआ है उस बच्चे की तो कोई भी गलती नहीं है, उसी को पाप योनि कहा गया। अब भगवान की उदारता देखो आप, नवे अध्याय में है ये बात, भगवान कहते हैं वो पाप योनि भले संसार की दृष्टि से, लेकिन माम ही पार्थ व्यपाश्रित, वो जब मेरे चरणों के आश्रित हो गया, एपिशुः पाप योनयः, वो पाप योनि भले कहलाता है, पतित है वो, वर्णाश्रम व्यवस्था से निंदनीय है वो, लेकिन फिर आगे क्या हो गया, इतना ही नहीं, स्त्रियों, जो स्त्रियां बहुत खराब मानी जाती हैं, सभी स्त्रियों की बात नहीं आकी गई है, जिनके कर्म, जिनके जन्म, जिनका पेशा रोजी रोटी, जैसे वेश्या मान लो आप, उनका वेश्या का कर्म जो निंदनीय है, अधर्म का है,
लेकिन भगवान ने कह दिया ये पिशु प्राप्त स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रा ते पियांति पराम गति, चाहे वो शूद्र हो चाहे अंत्यज हो चाहे वर्णाश्रम से हीन हो। भगवान ने नवे अध्याय में कहा है कि ये जो मेरे चरणों के आश्रित होकर भक्त हो गया तो परम गति को प्राप्त करता है, जो बड़े बड़े ऋषियों को गति प्राप्त होती है। ये बहुत बड़ी बात है। भगवान ने जो कहा है किसी ऋषि ने ऐसी बात नहीं की है, किसी भी धर्मशास्त्र में ऐसा नहीं कहा गया, परम उदार भगवान कृष्ण ने ये बात कही है। तो प्रश्न क्या था कि बच्चे लोग नहीं मानते हैं सर? अरे नहीं, वर्ण शंकर महाराज सबसे आगे निकले गए भक्त हो जाए तो। कई लोग बुरा मानेंगे इस बात को कि वर्ण शंकर को हम बढ़ावा दे रहे हैं। हम वर्ण शंकर को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं, हम भक्ति की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। एक बहुत ऊंचा जाति का मैं नाम कह लूं, कई लोग बुरा मान जाते हैं, बड़ी ऊंची जाति का कोई हो, घोर नास्तिक हो, गंदा खाता पीता हो, और कत्लेआम मचाता हो, लूटपाट चोरी डकैती को छोड़ता न हो, सब उसके जीवन में है, तो कितनी ऊंची जाति के वो नरक में ही जाओगे। और एकदम वर्णाश्रम से पतित है, हर प्रकार से निकृष्ट पैदाइश। अब पैदा जो हुआ उसकी क्या गलती, बाप की मां की गलती है भाई, बच्चे की क्या गलती है? बच्चे को क्या पता कहां जन्म होना चाहिए उसका? तो वो यदि प्रभु के चरणों का भक्त हो जाए तो बड़े बड़े महान जाति में उत्पन्न होने वालों से आगे प्रभु का भक्त होकर भगवान के चरणों में पहुंचकर उनका सेवक उनका पार्षद बन जाएगा। ये केवल भक्ति में ही बल है कि प्रभु ने नवम अध्याय में कहा, इसलिए माता आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, यदि वर्ण आश्रम की मर्यादा का पालन नहीं होगा तो आप घबराइए मत, उनका अधोगति उनकी नहीं होगी। बस आपको एक ही काम करना है, इनको भक्ति में लगाना है, बेटे को बहू को भक्ति में लगाओ। अब जो हो गया शादी हो गई या होने वाली है वो तो उनका प्रारब्ध था, मैं तो यही कहूंगा, लेकिन जो बच्चा पैदा होगा उसकी क्या गलती, उसको भक्ति में लगाओ। वो तो प्रभु पहले से ही अपना बनाने को तैयार घोषणा कर रहे हैं नौवें अध्याय में, तो भगवान उसको अपनाएंगे, परम पवित्र भक्त बनाएंगे, इसलिए उसको भक्ति में लगाओ। आप निश्चिंत हो जाओ, बच्चों को नाती पोतों को सबको भक्ति में लगाओ, चाहे उनकी निंदनीय अवस्था संसार की दृष्टि से हो, लेकिन वो परम कल्याणकारी ठाकुर जी के भक्त बन जाएंगे। श्री राधे राधे। श्री राधे राधे गुरुदेव, चरणों में दंडवत प्रणाम। गुरुदेव ये पूछना था कि राधा अष्टमी और राधा प्रकट उत्सव वो अलग अलग दिन है कि एक ही दिन होता है? राधे राधे। जो यहाँ बिहारी जी आप समझ जाएं इसलिए मैं समझा रहा, ऐसी भाषा में बता रहा हूं। बिहारी जी का प्राकट्य क्या जन्माष्टमी को हुआ? नहीं हुआ, आगाहन शुक्ल पंचमी को हुआ है, जिस दिन राम विवाह होता है। जिस दिन राम विवाह होता है मिथिला में, अयोध्या में, बक्सर में, उस दिन बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ है, आगामी शुक्ल पक्षी पंचमी। यहां बिहार पंचमी बोलते हैं और जगह उसको विवाह पंचमी बोला जाता है। केवल वृंदावन धाम में बिहार पंचमी बोलते हैं क्योंकि बिहारी जी का जन्मदिन प्राकट्य दिवस है, और जगह उसको विवाह पंचमी बोलते हैं क्योंकि सीताराम जी का विवाह हुआ उस दिन। और क्या जन्माष्टमी ये लोग नहीं मनाएंगे? बिहारी जी के जो मंदिर वाले हैं जन्माष्टमी मनाते हैं ना, वो ये तो नहीं कहते हैं कि नहीं नहीं हमारे तो बिहारी जी का आगाहन शुक्ल पंच, समझने वाली भाषा बता रहा हूं आपको जिससे आपके मन से वो निकल जाए। बांके बिहारी का प्राकट्य हुआ आगाहन शुक्ल पंचमी को, लेकिन बांके बिहारी के मंदिर वाले और उनके भक्त लोग भी भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी जो जन्माष्टमी इसको मनाते हैं। अब यदि बांके बिहारी को ही केवल आप भगवान मानते हैं तो उनका जन्मदिन कौन सा है? आगाहन शुक्ल पंचमी। और
भगवान अनंत रूप धारण करके मंदिरों में विराजमान है, लेकिन अवतार तो एक निश्चित समय पर हुआ था, अवतार एक निश्चित समय पर हुआ था। तो अवतार की दृष्टि से जन्माष्टमी प्राकट्य दिवस है, और मंदिर बांके बिहारी की दृष्टि से उनका प्राकट्य दिवस मार्ग शुक्ल पंचमी को है, मार्ग शुक्ल पंचमी को। ऐसे ही बरसाना में जो श्री विग्रह राधा रानी का है, वह 1000 साल पहले कल्याण भट्ट दक्षिण भारत के संत थे, उनको स्वप्न दिया था राधा रानी ने कि ब्रह्मा पर्वत को खोदो और मैं नीचे हूं और निकाल करके मेरी पूजा करो। तो जिस दिन उनको निकाला गया उस दिन उनका प्राकट्य दिवस हो गया, और राधा रानी का जन्म जो है अवतार काल में कन्हैया के जन्म के 15 दिन बाद होता है। जैसे कृष्ण भादों की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कन्हैया का जन्म जन्माष्टमी को हुआ, 15 दिन बाद आगे चलो भादों की शुक्ल पक्ष की अष्टमी को कृष्ण पक्ष की अष्टमी को कृष्ण का जन्म, और शुक्ल पक्ष की अष्टमी को राधा रानी का जन्म हुआ। अब भले ही उनका जन्म दूसरे समय पर कभी हुआ हो, प्राकट्य जो खुदाई किए गए थे कल्याण भट्ट के, अब आप ये भी समझ लो कि वो श्री विग्रह उस ब्रह्मा पर्वत से बरसाना में से निकाला गया, लेकिन राधा रानी का प्राकट्य बरसाना में नहीं हुआ है। अब तो लोग जानने लगे, पहले तो जानते ही नहीं थे, उनका तो रावल में जन्म हुआ। अब रावल में प्राकट्य हुआ है भादों के शुक्ल पक्ष की अष्टमी को, लेकिन बरसाना में क्या उसको राधाष्टमी नहीं मानेंगे? जैसे मैंने बताया वृंदावन का, ऐसे ही वहां का प्राकट्य जो श्री विग्रह का अलग टाइम पर हुआ है, और राधा रानी का अवतार काल में प्राकट्य जो हुआ है वो राधाष्टमी को हुआ, इसलिए दोनों माना जाता है। राधे राधे। गृहस्थ जीवन में रह करके भक्ति भक्ति में संभल के आगे कैसे बढ़े, इसका आपके द्वारा कुछ प्रवचन चाहिए। गृह कारज नाना जंजाला, गृह वैसा तुलसीदास जी ने लिखा, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई। तुलसीदास जी ने मानस के बाल कांड में मानस का वर्णन किया है, तो वहां कहा गृह कारज नाना जंजाला, गृह का कार्य ही केवल नहीं, नाना जंजाल साथ में रहता है, रिश्तेदारी नातेदारी व्यवहार निभाना, झगड़ा मुकदमा और बहुत से व्यापार और तमाम प्रकार के औपचारिकताएं, और टूट न जाए कोई रिश्तेदारी, नाराज न कोई हो जाए, देखा दिखावा, कुछ सच्चाई नहीं तब भी दिखावा के लिए, और उसमें भी कोई रूठा उसको मनाने के लिए, ये दुनिया भर की जो झंझट है इसी को नाना जंजाल कहा गया। गृह कारज ये तो हो गया अपने परिवार की बात, गृह कारज नाना जंजाला, पूरे रिश्तेदारी नातेदारी झूठ मूठ का रिश्ता कुछ भी नहीं मानते, लेकिन उसको मानना पड़ेगा। ते अति दुर्गम शैल विशाला, वो बड़े बड़े ऊंचे पर्वत हैं, विशाल पर्वत हैं, जिनको पार करना मुश्किल है, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। इसलिए गृह कार्य के नाना और नाना जंजाल उससे संबंधित जो हैं, बड़े बड़े भारी पर्वत हैं, उनको पार करके भगवान के चरणों में पहुंचना बड़ा कठिन होता है। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? इसके लिए रोजाना भक्त चरित्र ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि सत्संग कहाँ ढूंढने जाओगे? अब सब लोग तो वृंदावन में अयोध्या में रहते नहीं हैं, तीर्थ में सबका वास तो है नहीं, तो जहां पर आप रह रहे हो भले गृह कार्य और नाना जंजाल में हो, लेकिन भक्त चरितावली सुनने का एक पक्का नियम बना लो, 5 बजे यूट्यूब में आ जाती है सुबह, उस समय हमको सुनना है आधा घंटा, उसके बाद गृह कार्य और नाना जंजाल में भले जाएं, उसके पहले नहीं जाएंगे। एक नियम तो ये बनाओ, ये सुबह का हो गया, और शाम का नियम ये बना लो कि सोने के पहले गप सप नहीं करोगे, बैठ करके आधा एक घंटा कीर्तन करोगे,
दिन भर कर लो अपना काम, गृह कार्य और नाना जंजाल के, लेकिन जब सोने के लिए बिस्तर पर जाना हो तो घर का मुखिया जो बोले कि देखो बच्चों सोना तो है ही रात में, हम कोई सोने से थोड़े रोक रहे हैं तुम्हें, चलो आधा एक घंटा हम लोग नाम कीर्तन कर लेते हैं, यदि रात को सोने के पहले आधा एक घंटा नाम कीर्तन कर लो और सुबह भक्त चरितावली श्रवण कर लो तो तुम दुर्गम शैल विशाल को पार करते हुए भी भगवत चरणों में पहुंच जाओगे। वृंदावन बिहारी लाल की, राधा रानी की जय।